Hello, Astrid. Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to your own channel, that is Adio Grown. This is Richa Sharma, your social science educator. आपने हमारा इंट्रो तो देख ही लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपके लिए कुछ तो नया लाए, कुछ एक्साइटिंग सा कुछ हम लेके आए, राइट? यस, यू आर राइट. आपने बहुत सही समझा है. हम आपके लिए कुछ नए बैचेस लेके आए क्लास 9th एंड 10th के लिए, जो कि हमने स्पेशली टर्म 1 के अकॉर्डिंग डिजाइन किए, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं बच्चा, ये जो कोर्स लेके आए, ये जो हम बैच लेके आए, उसके अंदर हम आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उसके वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि आपका लेटेस्ट रिड्यूस सिलेबस है सीबीएसई के साइड से, उसके अकॉर्डिंग हमने वन शॉट वीडियो हमारा तैयार किया है. एंड जैसे ही आपका जो वन शॉट वीडियो हो जाएगा, उसके बाद ही हम क्या कर देंगे, आपके लिए एमसीक्यूज लेके आ जाएंगे. तो जिसके कारण आपकी बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. बिकॉज एक तो आप वन शॉट वीडियो अटेंड कर लेंगे और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको एमसीक्यूज वाला वीडियो भी मिल जाएगा. तो आप बहुत तरीके से, मतलब पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके होंगे आपके टर्म 1 के लिए, और जिसके कारण आप जो चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके मार्क्स अच्छे आए, वो भी आपको गेन होंगे, राइट? अच्छे मार्क्स आप इजिली गेन कर सकेंगे. अब बच्चे, ये तो हो गई, हमने बताया कि हम आपके लिए नया कोर्स लेके आए. इसके अलावा भी हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आए. फॉर एग्जाम्पल, एज यू नो दैट ये जो हमारा कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पे, राइट? बट इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट पे जाते हो तो उसमें कुछ कंटेन है हमारे, कुछ हमारे नोट्स हैं जो कि हमने उसको चार्जेबल करके रखा है. वो जो चार्ज है ना बच्चा, वो बहुत कम है, ठीक है? 20-30-40 रुपीज, मतलब मैक्स टू मैक्स 50 भी नहीं है, 50 से कम है. सो आई होप कि सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं उसको. बट उसके बाद भी बच्चों को लगता है कि नहीं, हमें वो चार्जेस नहीं देना, तो उसके लिए भी हमने एक नया सॉल्यूशन आपके लिए लेके आए. वो क्या है बच्चा? वो ये है कि अगर आप वो चार्ज पे नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, उसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? आपको हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी. वीडियो जैसे ही आप देखेंगे, उसके नीचे आपको लिंक मिलेगा और उस लिंक में आपको उस चैप्टर के नोट्स भी दिए रहेंगे. तो आप चाहो तो उस नोट्स को भी आप पढ़ सकते हो. एंड देन उसके बाद 10 क्वेश्चन का एक क्विज होगा और वो आपको सॉल्व करना है, ओके? अगर आप उसको सॉल्व करते हो और आप उसके अंदर पास हो जाते हो तो आपके लिए एक सर्टिफिकेट, आपके लिए एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, ओके? एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट को आपको क्या करना है, आपको हमें शेयर करना है. आपको हमें दो जगह शेयर करना है. एक तो हमारे इंस्टा एंड FB पे शेयर करना है, @adiogrown#adiogrown.in पे. इसके अलावा आपको हमें मेल करना है. किस पे मेल करोगे आप? support@adiogrown.in पे, ओके? तो आपको यहाँ हमें मेल एंड शेयर करना है हमारे साथ आपके सर्टिफिकेट को. एंड देन हम उसको चेक करेंगे और उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा. और हो सकता है ऐसा कि आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आए हो या आप इतने लकी हो कि आपके लिए 100% का कूपन भी आपको मिल सकता है, जिसके कारण आप हमारी वेबसाइट पे हर चीज़ आपके लिए क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी. तो है ना अच्छी बात है आपके लिए. या तो आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो, या तो आप जो भी उसका चार्ज है 40-50 रुपीज़ 30 रुपीज़, जो कि बहुत मिनिमम रखा है हमने, है ना, या तो आप वो पे कर सकते हो. अगर आप वो पे नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है. आप जो हमारा टेस्ट है, जो हमारा क्विज सेशन है, आप उसको अटेंड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो. आपको जो सर्टिफिकेट जारी होगा उसके अकॉर्डिंग आपका अलॉट किया जाएगा आपको. उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, ईजिली हमारे जो भी कंटेन है, पेडेबल जो कंटेन है, उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो. अब ये तो मैंने आपको कोर्स के रिगार्डिंग भी बात बता दी बच्चा. अब मैं आपको ये बता देती हूँ, क्लास 10th के लिए जो हमने बैच लेके आए उसका नाम है यलगार बैच, ओके? हमने नाम ही इस हिसाब से रखा है यलगार. यलगार का मतलब होता है अटैक करना. हमें क्या करना है, हमें भी टर्म 1 पे अटैक करना है, जिसके कारण हमारे मार्क्स क्या आ सके, अच्छे आ सके. और जो क्लास 9th है उस बैच का नाम क्या रखा है हमने, हौसले. जब हौसले बुलंद होंगे तभी तो हम मार्क्स अच्छे लेके आ पाएंगे ना, है ना? तो हमने उसके बेसिस पे आपको रखा है कि जिसके कारण आपको सुनते ही थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपको लगे कि हाँ, कुछ तो हमें नया करना है, राइट?
अब ये तो मैंने आपको बता दिया हम क्या क्या नया लेके आए हैं, आपके लिए क्या क्या सरप्राइजेस एंड ऑल लेके आए हैं। अब इसके बाद मैं बात करती हूँ, जैसे कि आपको पता है मैं आज क्लास 9th का, मैंने आपको जो क्लास 9th के ज्योग्राफी के जो भी आपके दो चैप्टर आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, और साथ के साथ में आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन का हम क्या कर चुके हैं, आपका वन शॉट वीडियो कर चुके हैं, राइट। अब जो ये है इसके अंदर हम एमसीक्यूज करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको 20 MCQs प्रोवाइड करूंगी और मैं आपसे पूछूंगी, आपको आंसर्स देना है, ठीक है। आंसर्स देने के बाद आपको मुझे ये भी कमेंट करना है कि 20 में से किसको कितने मार्क्स मिले, ओके। जिसको जिसका कमेंट पहले आएगा और जिसके मार्क्स अच्छे होंगे उसका हम बाद में अनाउंस भी करेंगे उसका नाम, ओके। जो भी 5 बच्चे होंगे उनका नाम भी हम अनाउंस करेंगे, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को, जिसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज, राइट। सो लेट स्टार्ट। सो वेलकम टू दी सोशल साइंस क्लास बच्चा, ओके। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हम आपके लिए वन शॉट और एमसीक्यूज की सीरीज लेके आए हैं आपके टर्म 1 के एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया था कि हम ये लेके आए, अब मैं एक चीज आपको बताना भूल गई थी, वो ये है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सोशल साइंस के लिए लेके आए, डोंट वरी, आपको तीनों जो मेन सब्जेक्ट सब्जेक्ट्स है ना आपके, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स, तो तीनों के लिए वन शॉट वीडियो एज वेल एज एमसीक्यूज का जो आपका वीडियो है वो आपको मिलेगा। एंड साथ के साथ में अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो आपको हिंदी के, इंग्लिश के एंड आईटी जो आपका सब्जेक्ट्स होता है ना उसके भी आपको क्या मिलेंगे, आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड किए गए, तो आप अगर वो भी देखना चाहते हैं तो आप वहां से उनको भी देख सकते हैं, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर जैसे कि आपको पता ही है क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो कि हमने टर्म 1 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया है और जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ 20 MCQs करवाने वाली हूँ। और इस बात की भी मैं गारंटी देती हूँ, ये 20 MCQs ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काफी क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही, ओके। हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है वो, विच ऑफ दी फॉलोइंग पैलर्स ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड इंडिया इंटू टू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट। हमें क्या बताना बच्चा, यहाँ ये बोला जा रहा है आपसे कि वो कौन सी दो पैलर ऑफ लैटिट्यूड्स हैं जो कि इंडिया को, मतलब हमें वो लैटिट्यूड का नाम बताना है कि जो इंडिया को ऑलमोस्ट दो पार्ट के अंदर, इक्वल पार्ट के अंदर क्या करती है, डिवाइड करती है। ऑप्शन इज आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, इक्वेटर, सेकेंड इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, थर्ड इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड फोर्थ वन इज प्राइम मेरिडियन, ओके। तो मैं आपको टाइम देती हूँ कि इसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ कि कौन सा, आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ मुझे ये बता दो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी एन या डी है, ओके। और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर किसने दिया, ओके। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या है, जब तक आप पोज करके इसका आंसर दीजिए एंड देन मैं आपको यहाँ बताती हूँ जब तक, ओके। तो इसका जो आंसर है वो क्या है आपका, इसका आंसर है सी, जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को, जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसको टू इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या करती है, डिवाइड करती है। बच्चा अगर आपसे बोला जाता कि वर्ल्ड को, ठीक है, वर्ल्ड को कौन सी लैटिट्यूड है जो कि डिवाइड करती है टू इक्वल पार्ट्स में, तो उसका आंसर होता है आपका इक्वेटर, ठीक है। और इक्वेटर की डिग्री क्या होती है, 0 डिग्री का होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री का होता है। लेकिन आपसे इंडिया के बारे में पूछा इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ओके। और साथ के साथ में अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी कौन सी स्टेट से और कितनी स्टेट से पास होके गई है, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है वो आपकी 8 स्टेट से पास होके गई है, ओके। वो कौन कौन से स्टेट है आपको याद होना चाहिए, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश आपका, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आपका, ठीक है। तो ये आपके 8 स्टेट हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए बच्चा, कि इन 8 स्टेट से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्या गई है, पास होते हुए गई है, ठीक है। कौन कौन से नाम है एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए, इवन मैं आपको वन शॉट वीडियो में बता भी चुकी हूँ बट फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, कौन कौन से नाम है मेरे साथ बोलिए आप, कि आपका सॉरी छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, वेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल और आपका त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपके 8 स्टेट हैं जो कि जिसके
थ्रू क्या गई है, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गई है, जो कि इंडिया को क्या करती है, टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है. राइट, गॉट इट. नाउ अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पे, जो क्या है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस. ठीक है, जो हमारे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है आपकी अपनी, वो जिसकी डिग्री मतलब जिसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, वो कौन से प्लेस से या कौन से स्टेट से, कौन सी जगह से होती हुई गई है. ठीक है, हमें ये बताना है. ऑप्शन आपके सामने ये हैं, फर्स्ट इज कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, सेकंड वन इज वलोंग इन अरुणाचल प्रदेश, थर्ड वन इज कच्छ इन गुजरात, एंड फोर्थ वन इज मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो आपको ये बताना जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है हमारा, या स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ जो हमारा टाइम है इंडिया का, वो कौन से स्टेट से, कौन सी जगह से होती हुई गई है. आपके पास ये आपके फोर ऑप्शन है और आपको मिलते हैं सिर्फ 5 सेकेंड. ओके, सो मैं यहाँ काउंट करती हूँ 5 तक, जब तक आप मुझे आंसर दीजिए मैं आपका वेट कर रही हूँ कमेंट में, मतलब आप मुझे आंसर दीजिए मैं आपका कमेंट चेक करती हूँ. ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5. राइट, तो अब आप मुझे बताइए क्या आंसर है, और मैं आपको यहाँ बताती हूँ आंसर इज डी. ओके, तो जो आपके स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कहाँ से गुजरी हुई है, वो मिर्जापुर, और मिर्जापुर कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश के अंदर. ठीक है, तो यूपी का एक शहर है मिर्जापुर करके, वहां से जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया वो क्या गई है, वो वहां से पास होती हुई गई है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बोथ द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडियाज मीन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री, बट ऑन लुकिंग एट द मैप ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव डू यू ऑब्जर्व अबाउट इंडिया साइज. ठीक है, अब जैसे कि आपको याद होगा बच्चा, जब मैंने आपको वन शॉट वीडियो में पढ़ाया तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ है. ठीक है, तो कौन सा साइड ज्यादा बड़ा है आपका, ठीक है, कि हमारा नॉर्थ से लेके जो साउथ का है वो साइज ज्यादा बड़ा है आपका, या ईस्ट से लेके वेस्ट का साइज है वो ज्यादा बड़ा है. ठीक है, याद आया कुछ आपको? नाउ तो मैं आपके लिए ऑप्शन देती हूँ, तो अब आपको बताना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या है. फर्स्ट जो है आपका वो है ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन अपीयर्स इक्वल, ये जो दोनों है वो इक्वल है, कोई भी बड़ा नहीं है. ठीक है, योर सेकेंड ऑप्शन इज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन अपीयर टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन. ठीक है, नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग जो ईस्ट वेस्ट है वो क्या है आपका, स्मॉल है. आपका थर्ड जो है वो ये बोला जा रहा है जो नॉर्थ साउथ है आपका वो क्या है, वो लार्ज है आपके ईस्ट वेस्ट से. ठीक है, इसके अलावा आपका फोर्थ जो ऑप्शन है बोला जा रहा है आपका नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन अपीयर टू बी स्मॉलर देन ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन. तो आप मुझे बताइए कौन सा आंसर आपका करेक्ट है. ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो क्या है, आपका बी आंसर करेक्ट है, जिसके अंदर ये बोला जा रहा है आपका कि जो नॉर्थ साउथ साइड है आपकी वो ज्यादा बड़ी है कंपेयर टू द ईस्ट वेस्ट साइड से. ओके, गॉट इट, समझ में आया. तो आपका आंसर क्या है, बी आंसर है, जिसके अंदर बताया जा रहा है आपका हाँ ठीक है कि ये आपका क्या है, ये आपकी जो ईस्ट वेस्ट है वो छोटी है आपकी कंपेरिजन टू नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से. ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया. एज यू नो दैट जो श्रीलंका है वो हमारी नेबरिंग कंट्री है. राइट, तो अब वो हमारी नेबरिंग कंट्री है, इंडिया के अंदर नहीं आती है, इंडिया की पड़ोसी देश है वो. तो आपको ये बताना है कि वो कौन सी वाटर बॉडी है जिसके थ्रू जो श्रीलंका है वो इंडिया से सेपरेट हुई है. ओके, तो आपके ऑप्शन है पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ कंबत, सेकंड वन है आपका पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मनार, सी है आपका 10 डिग्री चैनल एंड गल्फ ऑफ कंबत, डी है आपका गल्फ ऑफ मनार एंड 10 डिग्री चैनल.
तो आप मुझे ये बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर, इसमें से वो कौन सी वाटर बॉडीज है आपकी फोर में से कि जिसके थ्रू आपका श्रीलंका इंडिया से क्या हुआ है, सेपरेट हुआ है। ओके तो जो आंसर है वो क्या है, आपका आंसर है बी। ओके जिसके अंदर जो आपका वाटर बॉडी है वो है आपकी पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मनार। ठीक है, जो आपका पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मनार है आपका, वो क्या करती है, वो श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करती है। ओके बच्चा, नाउ योर फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया लैंड मास। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है इन शॉर्ट कि हमारे इंडिया का लैंड मास जो है उसका टोटल एरिया कितना है। कुछ याद है क्या आपको? अगर मैं आपको ऑप्शन ना दूं तो आप मुझे बता पाओगे? लेट्स सी, कोई बात नहीं, वैसे भी आपके तो एमसीक्यूज ही आने हैं तो मैं आपको ऑप्शन दे ही देती हूँ, राइट? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 2.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, थर्ड इज 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड फोर्थ वन इज 3.28 मिलियन किलोमीटर। ओके आप ध्यान रखना मैंने क्या क्या बोला है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 2.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बी है आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सी इज 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड फोर्थ इज 3.28 मिलियन किलोमीटर। बच्चा कंफ्यूज मत होना, वो आपको ऐसे ही डिजिट देंगे जो कि आपके मिलते जुलते होंगे कि जिसके कारण आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, सो योर आंसर इज बी, दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके एज वेल आपको ये भी पता होना चाहिए जो इंडिया है वो हमारी कौन सी लार्जेस्ट कंट्री कहलाती है, 7 नंबर की लार्जेस्ट कंट्री कहलाती है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, जो हमारी रैंक है एरिया वाइज वो कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। गॉट इट? नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंड एक्सटेंड बिटवीन लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। ठीक है, सो योर ऑप्शन इज इन शॉर्ट क्या बोलते हैं आपको, जो भी आपकी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है आपको वो बताना है बच्चा। ठीक है, सो अच्छे से ध्यान से आप वैल्यू पे ध्यान देना कि पहले क्या पूछा गया है आपसे, पहले लैटिट्यूड की पूछी गई है एंड देन लॉन्गिट्यूड की पूछी गई है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना इसके अंदर, इसके अंदर भी आपको बहुत सिमिलर टाइप के ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको ये चीज अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो योर फर्स्ट ऑप्शन इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हमारी क्या हो गई, लैटिट्यूड की वैल्यू हो गई एंड लॉन्गिट्यूड का क्या बोला जा रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। योर सेकेंड ऑप्शन इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ एंड 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट एंड 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चा कि लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड के अंदर आपका ईस्ट लगता है या नॉर्थ लगता है। ठीक है, अगर आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तो आपको एक चीज तो समझ में आ जाएगी कि लैटिट्यूड है तो कौन सी वाली वैल्यू आनी है। ठीक है, ईस्ट वाली आनी है या नॉर्थ नॉर्थ वाली आनी है। ठीक है, अब जो आपका डी ऑप्शन है वो क्या है, 86 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ एंड 79 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ एंड 28 डिग्री 4 मिनट ईस्ट एंड 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आपका आंसर है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि लैटिट्यूड में आपका ईस्ट आता है, ईस्ट आता है या नॉर्थ आता है। ठीक है, अगर आपने ये बता दिया तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, देना इजी हो जाएगा। ठीक है, सो योर आंसर इज बी। ठीक है, वो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इंडिया अचीव मल्टी फेसेस्ड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स? ठीक है, तो आपको याद है कि जब हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था उस टाइम पे आपको ये चीज सुनने को मिली होगी, ठीक है, कि इंडिया है उसने ये सारी चीजें जो आपका मल्टी फेस्ड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसने कब किया, ठीक है, कब अचीव किया उसको. सो योर ऑप्शन इज, फर्स्ट वन इज, ठीक है, सिंस एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम से ही हम ये सारी चीजों को अचीव कर चुके थे. सेकेंड इज ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड, जो आपका मिडिवल टाइम था उसमें आपने अचीव किया. थर्ड वन इज 21 सेंचुरी जो है उसके अंदर आपने अचीव किया. एंड योर लास्ट ऑप्शन इज ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades, ठीक है, जो आपके अभी लास्ट 50 साल हैं उसके अंदर आपने इसको किया. 5 decades जो आपकी गए उसके अंदर आपने इसको अचीव किया, जो भी आपकी बोलना चाहिए प्रोग्रेस है सोशो इकोनॉमिक को लेके उसने आपने क्या किया, इंडिया ने उसको अचीव किया. तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चा, इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि आप अच्छे से वीडियो का हर एक पार्ट देखा कीजिए, जिसके कारण आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो सके, राइट. सो आंसर इज डी, ठीक है, जिसके अंदर क्या बोला जा रहा है, ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades. गॉट इट एवरीवन? अगर आपको आएगा तो आई होप अब आप गलती नहीं करेंगे, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज द नेबरिंग कंट्री दैट शेयर देयर बाउंड्रीज विद इंडिया आर. तो एक तो सबसे पहले बच्चा आपको याद ही होना चाहिए कि हमारी जो इंडिया कंट्री है वो अपनी बाउंड्री कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री से शेयर करती है, या फिर हमें ये बोलना चाहिए हमारे जो पड़ोसी देश है ना उनके नाम हमें पता होना चाहिए, ठीक है. सो योर ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन इज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, सेकेंड वन इज म्यांमार एंड बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन इज चाइना एंड नेपाल, फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. अब जल्दी से मुझे बताओ कि ये आपके जो मैंने आपको इतनी सारी कंट्रीज के नाम बताए हैं कि उसमें से कोई एक आपकी नेबरिंग कंट्री है या फिर सारी की सारी है, ठीक है. सो मैं आपको आंसर देती हूँ डी, ठीक है. इसका आंसर क्या है, डी आपका ऑल ऑफ द अबव, जो आपका पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है, म्यांमार एंड बांग्लादेश, चाइना एंड नेपाल, ये सारी कंट्रियां ही क्या है हमारी हमारी नेबरिंग कंट्री कहलाती हैं. ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू इंटेंड टू विजिट कावारत्ती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूटी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू, ठीक है. सपोज आप लोग ने कहीं जाने का प्लान बनाया समर टाइम में, कावारत्ती करके जो जगह है आप वहां घूमने जाना चाहते हो, तो वहां कौन सी यूनियन टेरिटरी यू विल गोइंग टू, ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है. योर फर्स्ट ऑप्शन इज पुडुचेरी, सेकंड वन इज लक्षद्वीप, थर्ड वन इज अंडमान एंड निकोबार, एंड योर लास्ट ऑप्शन इज दमन एंड दीव, ठीक है, दीव एंड दमन, पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार. तो आप ये बताइए वो कौन सा आपका यूनियन टेरिटरी है, ठीक है. तो क्या आंसर है इसका आप मुझे जल्दी से बताइए. जब तक मैं आपको आंसर दे देती हूँ, आंसर इज बी, दैट इज लक्षद्वीप, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच टू आइलैंड कंट्री आर सदर्न नेबर्स ऑफ इंडिया, ठीक है. हमें क्या बताना है, हमें जो टू आइलैंड कंट्री है जो कि हमारे इंडिया का नेबर कंट्री है वो कौन कौन सी, हमें ये बताना है, ठीक है. आइलैंड कंट्री के बारे में पूछ रहे हैं ये हमसे. आपका फर्स्ट ऑप्शन है श्रीलंका एंड मालदीव्स, सेकेंड ऑप्शन है लक्षद्वीप, थर्ड ऑप्शन है आपका अंडमान एंड निकोबार, एंड दीव एंड दमन, ठीक है. These are your option. Now tell me that two island countries, ठीक है, जो हमारी neighboring country है उनके हमें नाम बताने हैं two island country के. अगर आपको ये बात पता है कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ इंडिया के अंदर ही आती है तो आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि एक ही तो ऑप्शन ऐसा है जो इंडिया के बाहर का है, राइट. सो दैट इज आंसर नंबर ए, श्रीलंका एंड मालदीव, ठीक है. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which geographical feature bound India's mainland south of 22 degree north latitude? ठीक है, हमें ये बताना है जो इंडिया का मेन लैंड है साउथ में, जो कि 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, वहां कौन सा ज्योग्राफिकल फीचर हमें एक तरह से बोल सकते हैं देखने को मिलता है या बाउंड करता है. ओके, योर फर्स्ट ऑप्शन इज यंगफोल्ड माउंटेन. ठीक है, तो आप अच्छे से सोचो साउथ के अंदर आपको क्या माउंटेन देखने को मिलते हैं. सेकेंड ऑप्शन इज सैंडी डेजर्ट. क्या आपको वहाँ रेतीला स्थान, मतलब रेतीला जो होता है एरिया होता है, डेजर्ट वाला एरिया होता है, वो आपको देखने को मिलता है क्या, या फिर आपको वहाँ सी या ओशन देखने को मिलते हैं, या फिर आपको वहाँ प्लेट्यू देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो आई थिंक ऑप्शन बहुत ईजी है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, और आप लोग सब सही इसका आंसर दोगे. राइट, आई नो दैट यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, है ना. सो मैं अपना आंसर बताती हूँ. That is answer number C, sea and oceans. Okay? क्योंकि हमें पता साउथ के साइड में मैक्सिमम हमारी सारी जगह हमें क्या देखने को मिलता है, सिर्फ पानी पानी देखने को मिलता है, वाटर बॉडीज देखने को मिलती है, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा, सी एंड ओशियन का होगा. अगर ये हमसे पूछते कि हमारे नॉर्थ में क्या होता है, तो हम माउंटेन आंसर दे सकते थे. Got it बच्चा. Now your next question is, which of the following group of island belonging to the Indian territory lies in the Arabian Sea? Okay, and your options are, first one is Andaman and Nicobar Island, second one is Sri Lanka, third one is Lakshadweep, and fourth is Maldives. ठीक है, अब आप मुझे बताइए वो कौन सी जगह है. ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम बताना है आपको. सो आई नो एवरी वन नो अबाउट इट, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि कौन कौन से हमारे आइलैंड ग्रुप्स हैं, तो उसमें से तो आप इजिली बता ही दोगे, क्योंकि हमें आइलैंड ग्रुप किस साइड का बताना, अरेबियन सी का बताना है बच्चा. ये ध्यान रखना, बे ऑफ बंगाल की साइड का नहीं बताना है, किसका बताना, अरेबियन सी के साइड का बताना है. सो योर आंसर इज लक्षद्वीप. अगर आपसे बे ऑफ बंगाल का पूछा जाता तो आपका आंसर क्या हो जाता, चेंज हो जाता, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो जाता. बट आपसे अरेबियन सी का पूछा गया, इसलिए क्या आंसर होगा, लक्षद्वीप. Your next question is, which of the following is the oldest route of contact between India and other countries of the world? ठीक है, तो आपको oldest route बताना है जिसके कारण India और world की जो other country है वो क्या कर सकते थे, एक दूसरे से contact कर सकते थे. ठीक है, so your option is ocean routes, second is maritime contact, third one is land routes, and fourth one is air routes. तो आपको ये बताना है सबसे ज्यादा पुराना ओल्डेस्ट रूट कौन सा है. आई नो एवरी वन नो अबाउट इट, सो योर आंसर इज सी, लैंड रूट. ठीक है, आप याद रखना बच्चा, आपको मुझे ये तो पता है, आपको ये पता होगा एयर रूट्स जो है वो तो सबसे, एक तरह से देखा जाए तो सबसे नया है आपका, बट ओशियन और लैंड रूट के अंदर कंफ्यूज मत होना. गॉट इट. नाउ ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही ईजी है. How many state and union territories does India have? आपको ये बताना है इंडिया के अंदर कितने स्टेट हैं और कितनी यूटीज है. ठीक है, यूनियन टेरिटरीज का शॉर्ट फॉर्म होता है यूटीज. ओके, तो कितनी यूटीज हैं, कितने स्टेट हैं, आप मुझे, मैं ये आपसे उम्मीद करती हूँ कि आई थिंक ये आप बिना ऑप्शन के भी इसका आंसर दे सकते हैं. राइट, अदरवाइज मैं तो आंसर, मतलब जो ऑप्शन है वो तो मैं प्रोवाइड करने ही वाली हूँ, बट आई होप कि आप इंडिया के सिटीजन हैं, इंडिया में रहते हैं, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि हमारे इंडिया के अंदर कितने यूटीज हैं और कितने स्टेट हैं. राइट, जब तक मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ. ऑप्शन इज, फर्स्ट वन इज 28 स्टेट एंड 7 यूटीज, सेकंड ऑप्शन इज 29 स्टेट एंड 7 यूटीज, थर्ड इज 28 स्टेट एंड 8 यूटीज, एंड योर लास्ट ऑप्शन इज इंडिया हैज 29 स्टेट एंड 8 यूटीज. जल्दी से मुझे इसका ऑप्शन दो, एंड आई होप इसका आंसर सब सही देंगे. राइट, सो योर आंसर इज डी, दैट इज, अगर हम करंटली के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज है. गॉट इट बच्चा, समझ में आया, कितने हमारे यहाँ 29 स्टेट्स हैं एंड और 8 यूटीज है. नाउ अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज इंडिया
इंडियन ओशियन नेम आफ्टर इंडिया, ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है। जैसे कि एज यू नो दैट हमारे यहाँ फोर ओशियन है, ठीक है, बट किसी भी ओशियन के आगे आपका मतलब किसी भी कंट्री का नाम नहीं लगाया गया है, राइट। एक सिर्फ इंडिया कंट्री ऐसी है कि या इंडियन ओशियन ऐसा है कि जिसके आगे इंडिया नाम लगा है, ठीक है। एक ओशियन ऐसा है जिसके अंदर हमारी कंट्री इंडिया का नाम लगा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन इज इंडिया हैज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स, ओके। सेकेंड ऑप्शन इज नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया। एंड योर थर्ड ऑप्शन इज इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन। एंड योर फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो आपको मुझे ये बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बोला जा रहा है जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक लोकेशन है या फिर जो इंडिया का ओशियन रूट है उसके साथ साथ वो इसके पीछे का रीजन है, या फिर कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि इंडिया जितनी बड़ी कोस्ट लाइन शेयर करती है उतनी कोई भी दूसरी कंट्री शेयर नहीं करती है। थर्ड ऑप्शन बोला जा रहा है जो इंडिया है उसका क्या है, सेंट्रली लोकेटेड है वो एक तरह से इंडियन ओशन के हेड पे, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जब तक मैं आपको उसका करेक्ट आंसर बताती हूँ, दैट इज डी। ये चारों के चारों पॉइंट है आपके, चारों नहीं सॉरी, थ्री के थ्री पॉइंट्स हैं जो कि कवर करते हैं कि जिसके कारण जो ओशियन है हमारा उसका नाम इंडियन ओशियन दिया गया है, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम IST बोलते हैं, अगर आपसे IST का फुल फॉर्म भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ओके। नाउ हाउ मैनी आवर्स हैड और बिहाइंड ऑफ GMT और यूनिवर्सल टाइम। GMT का मतलब आपका, GMT का फुल फॉर्म होता है आपका ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। तो ये ग्रीनविच मीन टाइम है, ये एक तरह से यहाँ से आपका क्या, जैसे कि यहाँ से आपके, जैसे कि हमारे यहाँ से हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गई है हमारी, सॉरी हमारा जो क्या बोलना चाहिए, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम की लाइन गई हुई है, जो हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गई हुई थी, वैसे ही आपकी लंदन में एक आपकी जगह है ग्रीनविच करके, वहां से एक और टाइम लाइन गई है, एक और हम बोल सकते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन गई है, जिसका नाम क्या रखा गया है, GMT रखा गया, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ओके। इसी के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड का बोलना चाहिए एक तरह से टाइम को क्या करा जाता है, देखा जाता है या समझा जाता है, ओके। तो अब जो हमारे ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको बताने, आपको भी आपने देखा होगा, आप मैच देखते होंगे, आपने कभी कुछ भी ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि जब टाइम को कंपेयर किया जाता है इंडिया से, तो कुछ तो ऐसा बोला जाता है कि इतने आगे या इतना पीछे GMT से, ठीक है, हमारे इंडिया का टाइम, राइट। तो वही मैंने आपको ऑप्शन दे रही हूँ, तो अगर आपको थोड़ा सा भी, जो बच्चे क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं या कुछ गेम एंड ऑल में इंटरेस्टेड हैं, तो वो भी बता सकते हैं, अदरवाइज आपने बुक में तो पढ़ा ही है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 5 hours 30 minutes बिहाइंड GMT, और GMT का फुल फॉर्म पूछेंगे तो भी आप क्या कर सकते हैं, इजिली बता सकते हैं ग्रीनविच मीन आपका मीन टाइम, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, 15 hours अहेड ऑफ GMT। योर थर्ड ऑप्शन इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT एंड नन ऑफ दी अबव। अब मुझे आप बताइए इसमें से कौन सा आपका ट्रू ऑप्शन है, ठीक है। जब तक मैं आपको बताती हूँ, दैट इज योर आंसर सी, ठीक है। वो क्या है आपका, 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT। गॉट इट बच्चा, याद रहेगा बिहाइंड नहीं लिखना है, एक तो आपको 5 hours 30 minutes याद रखना है और अहेड याद रखना है, ठीक है, बिहाइंड याद नहीं रखना है हमें, 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT, ओके। जब हम कंपेयर करते हैं तो हम इस हिसाब से कंपेयर करते हैं, इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, जब हम यूनिवर्सल टाइम से, जब हम क्या बोलना चाहिए एक तरह से यूनिवर्सल टाइम से हम कंपेयर करते हैं, तो वो उसके बेसिस पे करते हैं, ठीक है। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 17 इज इफ द लोकल टाइम ऑफ सॉरी इफ द लोकल टाइम इट द्वारका 69 degrees 01 minute ईस्ट इन गुजरात टू द वेस्ट ऑफ द इंडिया इज 6 AM, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, जो हमारे वेस्ट में हमारा गुजरात है,
वहां की एक प्लेस है द्वारका, ठीक है, तो वहां का जो टाइम है वो क्या हो रहा है, 6 AM हो रहा है, तो व्हाट विल बी द लोकल टाइम एट डिब्रूगढ़, जो कि आपका आसाम की ईस्ट की जगह है, वहां आपका टाइम क्या हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन, कि गुजरात की एक जगह है, वहां अगर 6 AM हो रहा है आपका, तो हम आसाम ईस्ट की बात कर रहे हैं, वहां का जो एक लोकल लोकल इन द सेंस की वहां की जो प्लेस है डिब्रूगढ़ करके, वहां क्या टाइम हो रहा होगा। तो आपको याद है बच्चा, जब हमने है ना, मैंने आपको जब ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी वन शॉट वीडियो के अंदर, ऑन दैट टाइम आई टोल्ड यू अबाउट इट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश और हमारा गुजरात है ईस्ट एंड वेस्ट के अंदर कितने टाइम का डिफरेंस होता है। ठीक है, कितने टाइम का डिफरेंस होता है, कुछ याद आया? 2 आवर का, राइट? तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आंसर को चूज करेंगे। वो बस सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिख के दिया। ठीक है, अगर आपको इतना याद है कि कितना टाइम गैप देखा जाता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के अंदर, या फिर हम ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो कितना डिफरेंस देखा जाता है, 2 आवर का डिफरेंस देखा जाता है, राइट? क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है वो एक तरह से सबसे ईस्ट क्या माना जाता है, आपका स्टेट माना जाता है। ठीक है, आसाम उसके थोड़े से पहले आता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अब आप मुझे बताइए, 4:16 AM इज द आंसर, सेकेंड इज 6 AM इज द आंसर, थर्ड इज 7:44 AM इज द आंसर, और 7:44 PM इज द आंसर। अब मुझे आप ये बताओ, उसमें से क्या कौन सा करेक्ट आंसर है? अगर गुजरात के अंदर 6 AM हो रहा है, तो आपका जो ईस्ट है, जो आसाम का एक प्लेस है डिब्रूगढ़ करके, वहां क्या टाइम हो रहा होगा? आई थिंक अब सब बच्चे इसका सही आंसर देंगे, राइट? जब तक मैं आपको आंसर बता ही देती हूँ, इसका आंसर है सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपका वहां 6 AM हो रहा है, तो यहाँ कितना होगा आपका, 7:44 AM होगा ईस्ट के अंदर, क्योंकि ईस्ट के अंदर आपका पहले सूरज उगता है एंड देन गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलता है। गॉट इट? नाउ सो गॉट इट बच्चा, इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई विच ज्योग्राफिकल फीचर इन सॉरी इज इंडिया बाउंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इससे पहले हमने साउथ के साइड का देखा था, साउथ के साइड का जब हमने देखा था ज्योग्राफिकल फीचर, तो वो क्या था हमारा, इंडिया का सी एंड ओशियन देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, अब हमारी किसकी बात हो रही है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट की। ठीक है, तो हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा हिंट भी दिया था आपको, अगर आपको याद होगा तो आई थिंक आप इसका आंसर सही देंगे, है ना? आई नो दैट कि आप लोग बहुत समझदार हो, आपको चीजें याद रहती हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हो ना, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हो, तो आप इसका आंसर सही दोगे, राइट? तो आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने ये हैं, जो कि नंबर 1 है आपका सी, सेकंड है प्लेट्यू, लावा प्लेट्यू, थर्ड वन इज यंग फोल्ड माउंटेन्स, एंड फोर्थ वन इज सैंडी डेजर्ट। ठीक है, तो आपके देखा जाए तो सेम ऑप्शन है, अब आपको ये बताना है ए बी सी डी में से आंसर क्या सही है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, ऐसे करके नहीं बताना है, तुक्का नहीं मारना है, सही आंसर देना है। ओके, एंड आंसर आपके स्क्रीन के सामने पेश किया जाता है, दैट इज सी यंग फुल माउंटेन, बिकॉज यू नो दैट हमारे नॉर्थ नॉर्थ के साउथ में आपको, नॉर्थ के साइड में आपको क्या देखने को मिलेंगे, सिर्फ माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, राइट? गॉट इट? नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और वी कैन से दैट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन द 3 सीज। ठीक है, योर ऑप्शन इज पोर्ट ब्लेयर, सेकेंड इज कन्याकुमारी, थर्ड वन इज कावरती, एंड फोर्थ वन इज कोची। ठीक है, अब बताना इसमें से कौन सी वो प्लेस है जो कि लोकेटेड है कहाँ, 3 सी के इधर। ओके, सो योर आंसर इज दैट इज बी कन्याकुमारी। आपको पता है कन्याकुमारी एक तरह से हम बोलना चाहिए कि तीनों साइड किससे घिरी हुई है, पानी से घिरी हुई है। ओके बच्चा, नाउ योर लास्ट क्वेश्चन इस वाले चैप्टर का, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज इज लोकेटेड अलोंग द वेस्ट
कॉस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारे इंडिया का जो आपको पता है हमारे ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट है, ठीक है, उसमें आपका जो वेस्ट कोस्ट है उसके अंदर कौन सी यूटी आपकी लोकेटेड है। फर्स्ट वन इज दादर एंड नागर हवेली, सेकेंड वन इज चंडीगढ़, थर्ड वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड योर फोर्थ वन इज पुडुचेरी, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप मुझे, जब तक मैं आपको ये आंसर बताती हूँ। आंसर इज दैट इज ए, दादर एंड नागर हवेली, ठीक है। दादर एंड नागर हमारी हमारी ऐसी यूटी है जो कहाँ है, लोकेटेड अलोंग दी वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ओके बच्चा, आई होप कि आप लोगों ने आज का सेशन बहुत इंजॉय किया होगा, मजा आया होगा आपको ये हमारा एमसीक्यूज वाला जो क्विज था इसको खेलने में करने में। अब आपको एक और काम करना है बच्चा, क्या कि आपको मुझे ये बताना है कि आपने कितने आंसर सही दिए, ठीक है। तो मैं आपका कमेंट में वेट करूंगी कि आप, मैं ये देखूंगी कि कितने बच्चों ने कितना आंसर सही दिए, किसका कितना इम्प्रूवमेंट है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको 9th क्लास का क्या बताने वाली हूँ आपका, मैं आपको बताने वाली हूँ 2nd चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो, एंड देन फिर मैं उसका भी आपको एमसीक्यूज करवाऊंगी, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, जब तक अपना रिवाइज करते रहिए, टर्म 1 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट आपके टर्म 1 के प्रिपरेशन के लिए। अभी मैं एग्जाम के लिए नहीं बोल रही, डोंट वरी, अभी मैं सिर्फ प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट बोल रही, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।